आज थंबनेल देखकर आपको यही लग रहा होगा इस ड्रिंक में नहीं तो मिल्क पाउडर होगा, नहीं तो मिल्क मेड होगा, नहीं तो कुछ और बहुत सारी चीजें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के ड्रिंक को इतना अच्छे तरीके से बनाया है, वो भी दो तरीके से बनाया है जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है। इसको आप व्रत में भी ले सकते हैं, बिना व्रत में भी ले सकते हैं। इसे आप सुबह एक बार पियेंगे, शाम तक एनर्जेटिक रहेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए, आपको सारी बातें समझ आएंगी। मैंने बहुत सारी चीजों का सब्स्टिट्यूट बताया कि इसके बदले ये ले सकते हैं, इसके बदले ये ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दो टाइप के साबूदाने। कई बार घरों में ये टाइप के साबूदाने होते हैं, कई बार ये होते हैं साबूदाने। तो आपको खिचड़ी वाले मिले तो वो ले लीजिए, बहुत बारीक वाले जो कण होते हैं बिल्कुल चीनी जैसे नायलॉन के, वो भी ले सकते हैं। तो मैंने 1/4 कटोरी दोनों ही दिखा रही हूँ आपको। मैंने दोनों ही भिगा के रखे हैं, दोनों ही फूल चुके हैं। अगर फूले नहीं है तब भी बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ एक कोई भी साबूदाने, एक खिचड़ी वाले नहीं बना रही हूँ, वो नायलॉन वाले बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है जिसमें मैंने अंदाजे से करीब 2 कप पानी डाल दिया है। गैस ऑन कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ। बस फर्क इतना है, जो खिचड़ी वाले होते हैं थोड़े से चिपचिपे होते हैं, लेकिन जो ये नायलॉन के होते हैं ये बिल्कुल चिपचिपे नहीं होते हैं, और ये इसे पकाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। और अगर आपने नायलॉन वाले साबूदाने लिए हैं, आपने इसे भिगाया नहीं है, तभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखिए सिर्फ 5 मिनट में ये पक कर तैयार हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। जब आपको लगे ये साबूदाने पक गए हैं, बस आप गैस बंद कर दीजिए और इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट कर दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि साबूदाने सिर्फ हम व्रत के लिए ही बना रहे हैं, इसे हम दोनों रेसिपी में यूज करेंगे। इसे ठंडे पानी से भी एक बार धो लीजिए, तो जिससे क्या होगा, इसका चिपचिपापन जो थोड़ा बहुत होता है वो भी खत्म हो जाएगा। इसको रखते हैं हम एक तरफ। अब यहाँ ले रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के सब्जा, तुलसी के बीज जिसे तुकमारिया सीड्स भी कहते हैं। ये बहुत ठंडे होते हैं, व्रत में भी ले सकते हैं और बिना व्रत के भी ले सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। मैं अभी सिर्फ इसे भिगा रही हूँ, बाद में हम डालेंगे, किसमें डालेंगे किसमें नहीं वो बात की बात है। अभी जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, आपने नोटिस किया ये फटाफट से इसका कलर चेंज हो जाता है और ये फूलने लगते हैं बिल्कुल साबूदाने की तरह। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके बिना आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। अब चलते हैं एक और काम करने जो कि इस जूस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ मैंने 3/4 कप पानी लिया है एक बर्तन में, जिसमें मैं जेली का 1/2 पैकेट डाल रही हूँ। ये जेली आपको मार्केट से आराम से मिल जाती है। एक्चुअल इसमें जो लिखा रहता है, पानी थोड़ा ज़्यादा लिखा रहता है, पूरे पैकेट के लिए 2 कप पानी लिखा होता है 500 ml, पर मैं अक्सर कम डालती हूँ पानी, जिससे मेरी जेली बहुत अच्छी और परफेक्ट और टाइट बने। तो अगर आपको जेली डालनी है तो आप बनाइए 2-3 कलर की जेली। जेली आपको बनानी ही नहीं है तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट आपको बाद में बताऊंगी। ये जेली कैसे बनाई जाती है मैं सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको दिखा रही हूँ। इसमें कोई चीनी नहीं डाल रही हूँ, बस वो पैकेट डाल दिया और मैं इसको ठंडा करके जमने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए एक बर्तन में रख दिया मैंने, पूरा घोल लिया है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे, ये सेट हो जाएगी। मैंने पहले से जो सेट करके रखी हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये तुकमारिया सीड्स को देखिए कितने बढ़िया ये फूल से गए हैं। ये साबूदाने भी देखिए बिल्कुल बढ़िया से हो गए। इन दोनों तीनों को हम अलग अलग रख देते हैं। जो जेली मैंने ऑलरेडी जमा रखी है 2 कलर की, ऑरेंज और रेड, वो बहुत बढ़िया सेट हो गई हैं। इन्हें मैं कट करके आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे पीसेस में, और सॉफ्ट भी बहुत है लेकिन अच्छे से जम चुकी है। देखिए जेली कैसे कट रही है, जैसे मैं सब्जी को ही काट रही हूँ, और सॉफ्ट भी बहुत है लेकिन अच्छे से जम चुकी है। आप चाहें तो इसे घर में बना सकते हैं, चाहें तो इस टाइप की जो मैंने जुजुबी यूज़ की हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। बचपन में अक्सर हमने ये शक्कर लगी हुई जुजुबी जरूर खाई होंगी, उन्हें आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप सिर्फ साबूदाने के साथ भी बना सकते हैं, बेहद पसंद आएगा आपको। पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं दूध डाल रही हूँ, 2 कप भर के मैंने दूध डाल दिया है। टोटल इस रेसिपी के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। 1/2 कप दूध मैं अलग रख रही हूँ। जो 1/2 कप दूध है उसमें मैं वेनिला कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, करीब 1.5 टेबल स्पून। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। हमेशा हमें जब आरा रोट, कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है तो उसके लिए ठंडा दूध ही होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए।
जो कढ़ाई में दूध रखा है वो गर्म है, जो अलग से रखा है वो मैंने ठंडा है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी मिला रही हूँ, 3-4 चम्मच, जिससे कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छे से घुल मिल जाए। दूध में आप डालेंगे कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून भर के चीनी, मीठा करने के लिए। दूध को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, जैसे ही उबाला शुरू हो जाए धीरे धीरे ये कस्टर्ड वाला दूध डाल दीजिए। अगर लम्स हैं तो छान कर डालिए, अभी इसमें लम्स नहीं है, मैंने इसमें पूरा डाल दिया है। अब इसे कंटिन्यूसली चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीचे जम जाता है। जैसे ही मैंने इसमें दूध डाला आपने देखा ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया। जब इसमें उबाला अच्छे से आ गया बस गैस बंद कर दीजिए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है क्योंकि हम ड्रिंक बना रहे हैं, वो कस्टर्ड क्रीम नहीं बना रहे हैं, बस उबलना ज़रूरी है। अब हमें एक बड़े बोल में इस पूरे दूध को डाल दीजिए, इसे ठंडा कीजिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तब आप इसमें डाल दीजिए आधे साबूदाने, आधे हमें दूसरी रेसिपी के लिए चाहिए, और ये मिक्स कर दीजिए। अब आपको ये लगेगा कि जेली और कस्टर्ड तो हम व्रत में खाते नहीं हैं, उसे हम कैसे बना रहे हैं आज, लेकिन ये हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं। व्रत के लिए रेसिपी आगे आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आधे मैंने तुकमारिया सीड्स भी डाल दिए हैं, जो सब्जा सीड्स हैं। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो ये ड्रिंक तो बनेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए अच्छे से। अब आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंगो इमल्शन डाल दिया है, ये भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अब हम लेंगे गिलास, इसमें डालेंगे थोड़ी सी आइस, इसमें डाल देंगे दूध। ये एक गिलास दूध आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, टेस्टी भी है और बहुत मज़ेदार है। अब आप डाल दीजिए इसमें जेलीज, मिक्स जेली डालिए जो भी आपको अच्छी लग रही है। कितना सुंदर लग रहा है ना, थोड़ा सा रेड शरबत डाल दिया है जो मैं अक्सर घर में बना के रखती हूँ। मैंने रेसिपी दे रखी है शरबत हम कैसे बनाएं, आप बना सकते हैं घर में पूरी गर्मियों में। वैसे तो ये शरबत के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ बिल्कुल परफेक्ट ग्लास बन चुका है, पर अगर आपके पास भी क्रीम या आइसक्रीम है वो भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास आज थोड़ी सी क्रीम है, मैं उसे भी डालकर दिखा देती हूँ। नहीं डालेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत ही परफेक्ट गिलास बन चुका है। अब चलिए चलते हैं कुछ और करने, जो कि हम व्रत में भी खा सकें। यहाँ लिया है मैंने एक आम, जिसे मैंने छील लिया है। आधे आम के मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं, आधे आम को बड़े बड़े पीस करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। मिक्सी के जार में जो आम डाला है उसमें डाल रही हूँ चीनी। आम क्योंकि अभी थोड़े से खट्टे आ रहे हैं, अगर बहुत मीठा है तो चीनी कम डालें, नहीं तो अच्छे से चीनी डाल दें। यहाँ मैंने 1 लीटर में से जो दूध बचा था वो दूध ले लिया है, करीब 2 कप हैं। इसे मैंने छान के एक बड़े बोल में डाल दिया है। अब चीनी और आम अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे इस ठंडे दूध के अंदर डाल दिया है। याद रहे वो मैंने गर्म किया था, बाद में ठंडा किया था, और इस आम वाले को मैंने ठंडा ही लिया है। अब इसमें मैं बचे हुए साबूदाने डाल रही हूँ। मैं तुकमारिया सीड्स इसमें इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग व्रत में ना खाते हों। अब क्योंकि इसमें जेलीज तो हम डाल नहीं सकते, तो मैंने व्रत के लिए क्या किया है, खूब सारे फ्रूट्स लिए। यहाँ पे मैंने लिया आम, अंगूर, अनार, बनाना और एप्पल, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं गिलासों में पहले भरपूर फ्रूट्स डाल रही हूँ क्योंकि व्रत में फ्रूट से ही हमें एनर्जी आती है। उसके बाद ठंडा ठंडा ये मैंगो शेक डाल रही हूँ, पर मैंगो शेक कैसा है, एक तरीके से ये खीर भी है क्योंकि हमने इसमें साबूदाने भी डाले हैं। तो है ना बड़ी अमेजिंग सी चीज, क्या आपने व्रत के लिए इतना सब सोच के रखा था? नहीं ना, अगर आपने व्रत रखा है तो कम से कम एक ग्लास तो दूध आपको पीना बनता ही है। अब मैंने इसमें कोई शरबत नहीं डाला है, आप चाहें तो शरबत डाल दीजिए, आप जेली डालिए, आप जो मर्जी आए जो कीजिए। इस टाइम रमजान इफ्तार भी शुरू हो रहे हैं, वो भी सुबह से भूखे प्यासे रहते हैं, शाम को जाके व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी, जिन्होंने रमजान रखी है उन्हें भी ये कम से कम रात को ये एक ग्लास ज़रूर दूध पीना
लेना चाहिए, जिससे दूसरे दिन सारी आपको एनर्जी मिल सके, भूखे प्यासे रह सके। तो इस तरीके से ये रेसिपी आपको कैसी लगी, दो तरीके कैसे लगे ये मुझे जरूर बताइए। कुल मिला के मेरे 4 से 5 ग्लास बनकर तैयार हुए हैं 1 लीटर दूध में। कितना अच्छा बनाए ये ड्रिंक, और इसे बनाना बहुत आसान है। मार्केट में जाकर हम एक मेंबर जितने खर्चे में एक शेक लेकर आते हैं, उतने में आप पूरे परिवार के लिए शेक्स बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए।